हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके इस वीडियो में बोलने वाला हूँ एसएससी जीडी की तरफ से 2021 टू 2022 की अंदर फिजिकल एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। ठीक है, तो फिजिकल के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है, ठीक है, एसएससी की तरफ से। तो ये कैसे डाउनलोड करना है इस एडमिट का, तो इस वीडियो में मैं इस बारे में आपको स्टेप बाय स्टेप बोलने वाला हूँ। ठीक है, तो बहुत ही आसान से आपको इस वीडियो में बोलने वाला हूँ कैसे डाउनलोड करना है। ठीक है, तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूनिक सा होने वाला है, तो वीडियो को बिना स्किप करे लास्ट तक जरूर देखना। तो बगैर किसी टाइम वेस्ट करते, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर बात करें फिजिकल की डेट में आपको क्या लेना रहेगा, तो आपको यहाँ पर देखो कैंडिडेट मस्ट कैरी ऑन रिसेंट फोटोग्राफ, आपको फोटोग्राफ ले जाना पड़ेगा। ठीक है, और आपको यहाँ पर ले जाना आइडेंटिटी प्रूफ ले जाना पड़ेगा, जैसा ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड देना पड़ेगा। ठीक है, तो वहाँ पर आपको पैन कार्ड भी ले जा सकते हो, ओरिजिनल आपको यहाँ पर सेंटर पर नहीं ले जाना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान से चेकआउट कर लेना है। ठीक है, तो आपको सेंटर पर आईडी प्रूफ और फोटोग्राफ आपको ले जाना है। ठीक है, और अगर बात करें डाउनलोड के बारे में, तो आपको यहाँ पर देखो मैं इस लिंक पर आ गया हो। ठीक है, तो इसकी लिंक में डायरेक्ट लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन पर दे दिया हो। ठीक है, तो उस पर जगह एक क्लिक की थ्रू आप इस नोटिफिकेशन पर आ जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर देखो कई सारी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, कई सारी प्रोसेस देखने को मिल जाएगा, तो सब आपको यहाँ पर बोलने वाला हो। ठीक है, तो आपके यहाँ पर देखो आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आईडी, डेट ऑफ बर्थ देने के बाद आपको वेरीफाई आपको करने के बाद सर्च करने से आपकी एडमिट कार्ड आ जाएगा। ठीक है, तो एक प्रोसेस है। ठीक है, और अगर रोल नंबर की बात करें, तो रोल नंबर पे आपको यहाँ पर देना पड़ेगा, डेट ऑफ बर्थ देने के बाद आपको यहाँ पर वेरीफाई ह्यूमन करने के बाद सर्च करने से आप भी ये तरीका से आप अप्लाई करने के आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक, रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर इस प्रोसेस पे नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर देखो नेम देना पड़ेगा, फर्स्ट फोर कैरेक्टर देना पड़ेगा, फादर नेम की फर्स्ट फोर कैरेक्टर देना पड़ेगा, डेट ऑफ बर्थ देना पड़ेगा, और ह्यूमन वेरीफाई करने के बाद सर्च करने से आप इस तरीके से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो आपको इस थ्री तरीके से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो इसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन डायरेक्ट लिंक दे रहा हूँ। ठीक है, इस डिस्क्रिप्शन पर कोई भी वेबसाइट की लिंक मैं नहीं दिया हूँ। ठीक है, तो दोस्तों आज यही था हमारी वीडियो एसएससी जीडी की एडमिट कार्ड की डाउनलोड के बारे में। तो दोस्तों वीडियो का अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगे, तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली बेल आइकन कॉल कर देना, क्योंकि इसी तरह मैं यूनिक से यूनिक जॉब की नोटिफिकेशन और कैसे जॉब की नोटिफिकेशन अप्लाई भी करना है और जॉब की नोटिफिकेशन के हर न्यू अपडेट इस चैनल पर डेली से डेली अपलोड करता हूं। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।